एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि जो एनर्जी है वो किसी भी जिस्म की ये सलाहियत है कि वो काम कर सके, यानी कि इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये एबिलिटी है टू डू वर्क। इसका मतलब है कि हर हरकत करने वाली चीज़ में कुछ ना कुछ तो एनर्जी हो सकती है, आया कि वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है या वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। अगर ये बात है तो हमारा जो स्प्रिंग है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल है, जैसे कि पेंडुलम की एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब है वो भी तो हरकत करते हैं, क्या उनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती होंगी? जी हाँ बिल्कुल, उनके अंदर भी काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर होती है। और हम इसी के बारे में सीखेंगे कि हम लोगों ने स्प्रिंग के लिए या पेंडुलम के लिए, जो दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल्स हैं, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है और पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से स्टोर हो जाती है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिफाइन करूँ, तो हमें मालूम है कि जब भी किसी बॉडी पर वर्क किया जाता है तो ये वर्क उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। अगर किसी बॉडी पर वर्क किया जाए तो उसमें जो वर्क हो रहा है वो उस बॉडी के अंदर जो है पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। अगर मैं पेंडुलम और स्प्रिंग दोनों की एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँ तो ये देखें, इस एनिमेशन में जब हम स्प्रिंग पर स्प्रिंग के ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, इसे सम अप्लाइड फोर्स से एक्सटेंड करते हैं, देन ही तो जो फोर्स हम इस पर लगाते हैं उसकी वजह से इस स्प्रिंग के इस मास के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ये अपनी मेन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन पर मूव कर पाती है, क्योंकि हमने इस पर वर्क किया था और हमारा किया जाने वाला वर्क स्प्रिंग के इस मास में पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। सिमिलरली यही केस पेंडुलम के साथ भी होता है। जैसे कि पेंडुलम में भी जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो हम इसके फिक्स पॉइंट से इसको सम एक्सटर्नल फोर्स से एक्सटेंड करते हैं, और जो फोर्स हम इस बॉब पर अप्लाई करते हैं पेंडुलम के इस बॉब पर, वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है, और ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ये पेंडुलम जो है एक्सट्रीम पोजिशन पर मूव कर पाता है। इसका मतलब है कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वर्क डन करने के लिए, वो उस बॉडी के अंदर चाहे वो स्प्रिंग हो या पेंडुलम, उनमें पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। तो अब स्प्रिंग और एज वेल एज पेंडुलम दोनों के केसेस के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को वर्क डन फाइंड आउट करना है कि जो वर्क डन होता है इन दोनों केसेस में, यानी कि इसे यहाँ से यहाँ पर मूव कराने के लिए और इसे एक्सटेंड करने के लिए जो फोर्स हम इस पर लगाते हैं, जो वर्क डन इन दोनों स्प्रिंग और बॉब पर करते हैं, वो इनमें वर्क डन की सूरत में स्टोर हो जाता है। तो हमारा जो वर्क डन है वो हमेशा हमारे जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, और जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करते हैं फोर्स के लगने से जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है, उनके प्रोडक्ट से इक्वल आता है। अब पहले तो बात इस अप्लाइड फोर्स की है कि ये जो फोर्स अप्लाई की जा रही है ये किस तरीके से अप्लाई की जा रही है। जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं कि जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो स्टार्टिंग में थोड़ी कम होती है और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाती है। यानी कि हमें ये नहीं मालूम कि जब हम फोर्स इसमें लगाते हैं तो वो टोटल उसका फोर्स कितनी हम लोग फोर्स लगाते हैं। स्टार्टिंग में जो फोर्स हम देते हैं वो थोड़ी सी मिनिमम होती है, और जैसे ही हमारा जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास है, वो एक्सट्रीम पर पहुंच जाता है, तो हमारी फोर्स जो मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब है हमें फोर्स के लिए ये बताना चाहिए कि मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज, यानी कि हमें एवरेज फोर्स के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि हमें कन्फर्म फोर्स के बारे में नहीं मालूम। तो हम F अप्लाइड की जगह F एवरेज फोर्स लेंगे, जो कि F मिनिमम प्लस F मैक्सिमम, जो कि एक्सट्रीम पोजिशन पर जाके मैक्सिमम हो जाती है, डिवाइड बाय 2, ये हमारी फोर्स कहलाती है। और डिस्प्लेसमेंट वो डिस्प्लेसमेंट होता है जो इस बॉब को इसकी मेन पोजिशन या फिक्स पोजिशन से इस मैस को या इस बॉब को मूव कराने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता है, जैसे कि इस सिचुएशन में X है और इस सिचुएशन में भी यहाँ पर आकर एक्स आ जाता है। लेकिन इन दोनों केसेस के लिए हम इसको एक्स नोट कहेंगे। वो इसलिए कहेंगे क्योंकि हम लोगों ने फोर्स भी तो एवरेज ली है ना, इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट भी हम लोगों को इंस्टेंटेनियस लेना पड़ेगा किसी भी एक टाइम इंटरवल के दौरान जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हम उस डिस्प्लेसमेंट को रख लेते हैं। अब अगर ये चीज़ है, और दूसरी बात ये कि हुक्स लॉ के मुताबिक जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो हमारी फोर्स लगाने से इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ के मुताबिक जो हमारी अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स अप्लाई की गई है, जिसे अब हम लोगों ने एफ एवरेज कह दिया है, वो हमेशा की एक्स की इक्वल आएगी।
और एक्स को अब यहाँ पर भी हमें एक्स नोड ही कह देना चाहिए, क्योंकि हर जगह हम लोगों ने एक्स को एक्स नोड कहा है जो है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट लेने के लिए। तो अब हमारा जो हुक्स लॉ है वो ये कहता है कि जो अप्लाइड फोर्स की जा रही है, अप्लाइड फोर्स लगाई जा रही है, वो बराबर होनी चाहिए स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इंटू उसके डिस्प्लेसमेंट की। और मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट ये है कि स्टार्टिंग में तो फोर्स बहुत ही मिनिमम होती है, बहुत ही कम या तकरीबन ना होने के बराबर, तो हम एफ मिनिमम को तकरीबन जीरो ही कह सकते हैं कि हमारी एफ मिनिमम जीरो है और एफ मैक्सिमम जो भी हो कि एक्स नोट इक्वल आ जाती है डिवाइडेड बाय टू। तो हमारी जो एवरेज फोर्स है वो निकल आती है कि ये 1/2 है और इंटू के एक्स नोट, इसके इक्वल जो है हमारी अप्लाइड फोर्स निकल आती है, जिस अप्लाइड फोर्स को हम लोगों ने एफ एवरेज के इक्वल माना है। अब हमारे पास फोर्स तो निकल आई, इस फोर्स को अगर मैं वर्क के रिलेशनशिप में इस इक्वेशन ए में पुट करूँ तो मेरे पास वर्क निकल आएगा। और हमें मालूम है कि वर्क जो है जो काम किया गया है वो बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो गया है। तो इस वैल्यू को इस इक्वेशन ए में पुट करने से हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो इस तरीके से कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर आ जाती है वर्क डन के, और वर्क डन एफ अप्लाइड फोर्स है जो कि अब 1/2 इंटू के एक्स नोट इक्वल है और साथ में हमारा डिस्प्लेसमेंट जिसे मैं एक्स नोट ले सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है जो बॉडी में वर्क डन की सूरत में स्टोर हो गई थी वो 1/2 इंटू के एक्स नोट के स्क्वायर के इक्वल आ जाती है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं स्प्रिंग के लिए भी और पिंडोलम के लिए भी, क्योंकि दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरी में आते हैं। तो जो काम स्प्रिंग में किया जा रहा होता है सेम वही काम पिंडोलम के साथ भी हो रहा होता है। पिंडोलम में भी सम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, हम इस पर वर्क डन करते हैं और जो वर्क डन करते हैं वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। इसी तरह स्प्रिंग के केस में होता है कि स्प्रिंग पर भी जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से जो वर्क डन इसमें होता है इसको एक्सटेंड करने के लिए, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाने के लिए, वो इसमें वर्क डन की सूरत में स्टोर हो जाता है। तो इस एक्सप्रेशन से हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर स्प्रिंग एज वेल एज फॉर पेंडोलम। अब अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी हो तो उसे भी हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है वो जो ड्यू टू मोशन की वजह से होती है, यानी कि किसी भी बॉडी की ऐसी मोशन जिसमें जो बॉडी का मास होना ज़रूरी है और उसका किसी ना किसी वेलोसिटी से मूवमेंट करना ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जब वो वेलोसिटी से मूवमेंट शो कर रहा है तो उसका मतलब है बॉडी के अंदर कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है। अगर आप पेंडोलम और स्प्रिंग मोशन से गौर करें तो मालूम होगा कि जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजिशन से वापस अपनी मेन पोजिशन पर आता है तो उस वक्त इसमें वर्क डन नहीं किया जाता बल्कि फोर्स को छोड़ दिया जाता है, और जब फोर्स ही हटा लेगी तो इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी खत्म होगी, क्योंकि हमने कहा है कि जो फोर्स लगाई जाती है उसकी वजह से जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाता है। जब हमने पोटेंशियल एनर्जी हटा ली और ये वापस अपनी एक्सट्रीम पोजिशन से मेन पोजिशन पर आती है, जो ये मैथ है स्प्रिंग के जरिए वापस आता है, तो इस वक्त जो एनर्जी मेन पोजीशन पर आकर होती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे कि सिमिलरली यहाँ पर होता है पेंडुलम की मोशन में, जब भी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेन पोजीशन पर आता है तो होता यह है कि मेन पोजीशन पर जब भी आता है तो हाइट इसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी दूसरी बात यह है कि वो हाइट की वजह से भी होती है, जब हाइट बिल्कुल ही कम हो जाए तो कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है, ये फिक्स पॉइंट, जहाँ पर आपकी हाइट जीरो हो जाती है। इसका मतलब है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, क्योंकि जो बॉब है वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करता करता अपनी मेन पोजीशन पर आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आके सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर अब मुझे काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताना हो तो मुझे मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा 1/2 mv स्क्वायर फार्मूले से इक्वल ही आती है। ये सब फार्मूला है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर से इक्वल है। लेकिन मसला ये है कि हम लोगों ने जो अपना एक्सप्रेशन किया है, यानी कि पीछे वाला जो भी काम किया है वो एक्स नोट की फॉर्म में किया है, तो अगर मैं इस वेलोसिटी को भी सर्कुलर मोशन के में से जो हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली थी टेंजेंशियल वेलोसिटी वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के हिसाब से, तो अगर मैं वो वेलोसिटी, क्योंकि उस प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी थी
वो बिल्कुल ऐसी ही वेलोसिटी थी जैसे स्प्रिंग की वेलोसिटी होती है, यानी कि स्प्रिंग के साथ अटैच की हुई मैस की जो वेलोसिटी होती है, सिमिलरली वही वेलोसिटी इस पॉइंट के प्रोजेक्शन की है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे कि इस इमेज से आप देख सकते हैं, जैसे कि जब मैंने आपको ये वाली एनिमेशन दिखाई थी तो उसमें हम लोगों ने बाकायदा प्रूव किया था कि जो हमारी टेंजेंशियली वेलोसिटी है वो इस तरफ आती है, प्रोजेक्शन जो हॉरिजॉन्टल लाइन से है वो इस तरह से है, और अगर वाई पर भी हम लोग प्रोजेक्शन ड्रॉ करें तो वह येलो लाइन से आता है। तो हम लोगों ने इस येलो लाइन वाले प्रोजेक्शन की वेलोसिटी फाइंड आउट की थी, और इसकी जो वेलोसिटी हमारे पास निकली थी वो कुछ इस तरीके की थी कि इस पावर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हमारी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी और जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कहना चाहिए मुझे कि जो प्रोजेक्शन है हमारा उसकी जो वेलोसिटी आई थी वो एक्स नोट ओमेगा अंडर रूट वन माइनस एक्स एक्स नो यहाँ पर x आएगा, यहाँ से मिस्टेक होगी, x आना चाहिए हमारे पास x डिवाइडेड बाय जो है x नोट, इसका भी स्क्वायर था और इसका भी स्क्वायर था, ये हमारे पास जो है रिलेशनशिप था वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी किसी की प्रोजेक्शन की थी, क्योंकि प्रोजेक्शन जो है वो सर्कुलेटिंग पॉइंट में और सर्कुलर मोशन पे मूव करते हुए पॉइंट के प्रोजेक्शन की जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल एज इट इज है, जैसे स्प्रिंग स्प्रिंग में जो स्प्रिंग मोशन करता है मतलब स्प्रिंग से लगते हुए जो मैस की वेलोसिटी होती है एज इट इज वही वेलोसिटी इस प्रोजेक्शन की होती है। अगर मैं इस वेलोसिटी को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दूँ तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म आती है वो कुछ इस तरीके की आ जाएगी कि 1/2 एज इट इज है, मैस हमारा ऐसे ही रहेगा और एक्स नोट और ओमेगा ऐसे ही 1 - x² डिवाइड बाई एक्स नोट से। और दूसरी बात ये है कि कल की वीडियो में हम लोगों ने जो टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग के लिए और टाइम पीरियड पेंडोलम के लिए निकाला था तो हम लोगों ने वहाँ एक बात प्रूव की थी कि जो ओमेगा है इसकी वैल्यू स्प्रिंग के लिए जो है वो अंडर रूट k/m आती है, यानी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय मैस। तो मैं इस रिलेशनशिप को यहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो मेरे पास जो रिलेशनशिप बनेगा इसको पुट करने से वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा 1/2 m एज इट इज एक्स नोट, और इस ओमेगा की वैल्यू जब यहाँ पर मैं लगाऊंगी तो वो अंडर रूट k/m और फिर दोबारा से इसकी यहाँ पर स्केयर भी आना चाहिए ना इसकी वेलोसिटी के साथ, इसका यहाँ पर स्केयर भी आना चाहिए, हम लोग स्केयर लगाना भूल गए क्योंकि यहाँ पर तो वेलोसिटी का स्केयर है, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू थी, जब इसे यहाँ पर पुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी की पूरी वैल्यू पर जो है स्केयर आ जाएगा। इसका मतलब है मुझे एक्स नोट और ओमेगा की वैल्यू पुट करने के बाद 1 - x² डिवाइड बाई एक्स नोट स्केयर की जगह जो है वो एक स्केयर लगा देना चाहिए, इस पूरी की पूरी वैल्यू के ऊपर मुझे ये स्केयर पुट कर देना चाहिए। तो इस स्केयर को सॉल्व करने से हमारे पास ये होगा कि स्केयर हर वैल्यू के अंदर इस ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब है ये स्केयर इसके ऊपर भी अगर मैं सेपरेटली लिखूँ तो ये इस तरह का रिलेशनशिप है कि 1/2 एज इट इज एम ऐसे ही एक्स नोट के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्केयर आ जाएगा k/m की होल पावर के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा और यहाँ पर 1 - x² डिवाइडेड बाई एक्स नोट स्केयर अंडर रूट जो है पूरी की पूरी वैल्यू के ऊपर इनके साथ भी स्केयर आ जाएगा। तो ये स्केयर इस चीज़ को कैंसिल आउट कर देता है और ये वाला स्केयर इस चीज़ को कैंसिल आउट कर देता है। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप आता है वो ये है कि 1/2 तो एज इट इज ही रहेगा, एक्स नोट स्केयर भी एज इट इज ही रहेगा और जो हमारा m है वो ये m वाला यहाँ लिख दिया और उसके बाद जो k/m का स्केयर होता है वो स्केयर में कैंसिल कर दिया और यहाँ पर k/m रह जाता है और ये वाला स्केयर इस स्केयर रूट से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1 - x² / x² रह जाता है। अब देखा जाए तो इस वाले m को मैं इजीली इस m से कैंसिल आउट कर सकती हूँ तो मेरे पास जो रिलेशनशिप बच जाता है वो ये है कि 1/2 के ऐसे ही एक्स नोट यही आएगा इसके ऊपर इसका स्केयर क्योंकि किसी से कैंसिल आउट नहीं हुआ और यहाँ पर 1 - x² डिवाइड बाय एक्स नोट स्केयर की वैल्यू आ गई है। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए फॉर स्प्रिंग के लिए। अगर इसे मुझे सिंप्लीफाई किया जाए तो इसे हम इस तरीके से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि एक्स नोट स्केयर को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर लें और एलसीएम ले लें तो एलसीएम लेने से हमारे पास यहाँ एक्स नोट स्केयर आ जाएगा, ये वाली चीज़ जो है वो हमारे इस के रूप से कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो बहुत इजी बन जाएगा जो कि k·x² - x² की फॉर्म में आ जाता है। तो इस एक्सप्रेशन से भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं
काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं उन तमाम बॉडीज के लिए जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करती हैं, जिनमें सिंपल हार्मोनिक मोशन का फेनोमिना होता है, उनके लिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस चीज़ का फ़ायदा ये होता है कि हमने जैसे कहा कि मेन पोजिशन पर जब कोई बॉडी आती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेन पोजीशन पे मैक्सिमम है, तो मुझे ये कहना चाहिए कि मेन पोजीशन पे जब बात, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूँ, इस एक्सप्रेशन ए को लेके पुट करके देखें कि इसमें अगर वैल्यूज लगाती हूँ तो काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पर वाकई मैक्सिमम आती है या मिनिमम आती है। तो हमें ये तो मालूम है कि जब कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करे, जैसे कि स्प्रिंग है या हमारा पिंडोलम है, जब वो मेन पोजीशन पर आता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो है एक्स बिल्कुल ही जीरो हो जाता है, यानी कि वो एक्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए वो अपनी मेन पोजीशन पर आ जाता है, तो हमारा एक्स जो है वो जीरो हो जाता है। अगर मैं यहाँ पर एक्स ये इक्वेशन में यहाँ पर वन आना चाहिए था, अगर इस तरह से करूँ कि ये हमारा वन ऐसे ही, और एक्स की जगह अगर हम जीरो पुट कर दें, चूँकि मेन पोजिशन पर यहाँ लिख देना चाहिए, मेन पोजिशन पर हमारा जो एक्स है वो ज़ीरो हो जाता है, तो ज़ीरो डिवाइड बाई एक्स नोट का स्केयर आ जाएगा, और ज़ीरो डिवाइड बाई समथिंग ज़ीरो हो जाता है, तो इसे मैं वन माइनस ज़ीरो लिख सकती हूँ, और वन बाई टू के एक्स नोट यहाँ पर भी स्केयर आएगा और यहाँ पर भी स्केयर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी, हमने कहा कि मैक्सिमम है मेन पोजिशन पर, इसे सिंप्लीफाई करने से वाकई काइनेटिक एनर्जी वन बाई टू की एक्स नोट स्केयर आ जाती है, जो कि बिल्कुल वैसी ही एनर्जी के इक्वल है जैसे कि हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, जैसे कि हम लोगों ने जो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी वो भी वन बाई टू के एक्स नोट स्केयर की फॉर्म में आई थी, और जो हमारी काइनेटिक एनर्जी एट मेन पोजिशन वो भी वन बाई टू के एक्स नोट की फॉर्म में आई है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाती है, मेन पोजीशन पे या मैक्सिमम पोजीशन पे, जैसे कि स्प्रिंग की बात की जाए या पेंडुलम की बात की जाए, हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है आहिस्ता आहिस्ता कम होती है पोटेंशियल एनर्जी में, और जब हाई से वापस आते हैं मेन पोजीशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है, लेकिन एनर्जी की जो मिकदार है वो वैसे ही है, वन बाई टू के एक्स नॉट स्केयर की फॉर्म में ही है। तो इस तरीके से हम पेंडुलम या स्प्रिंग किसी के लिए भी उसकी काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हैं, मेन पॉइंट पर, एक्सट्रीम पॉइंट पर, या किसी भी पॉइंट पर हम लोग इंटरस्टेनियस पॉइंट पर भी हम लोग उनकी फाइंड आउट कर सकते हैं।